कोलकाता से गया जिला के गुरुआ थाना पहुंची एक पत्नी अपने पति को ढूंढ कर लाने की गुहार लगा रही है। मामला प्रेम प्रसंग के बाद शादी करने और फिर पति के फरार हो जाने का है। कथित पति लाखों के जेवरात और कैश भी लेकर फरार हो चुका है। कोलकाता के श्रीरामपुर की रहने वाली स्वाति भट्टाचार्य गया के गुरुआ थाना पहुंची है और पति गुरुआ थाना के पचरुखिया गाँव के अभिषेक कुमार सिंह की तलाश कर रही है। पति काफी समय से मोबाइल स्विच ऑफ कर फरार है। इसे लेकर गुरुआ थाना में कोलकाता की युवती ने लिखित आवेदन दिया है। साथ ही यह आरोप लगाया है कि उसका पति उसे छोड़कर फरार हो चुका है और कोलकाता स्थित आवास में उसके लॉकर से लाखों के जेवरात और कैश भी ले उड़ा है। युवती स्वाति भट्टाचार्य का कहना है कि उसका पति अपनी बहन की शादी के बहाने गाँव आया था, फिर वह कोलकाता वापस नहीं आया। इस संबंध में गुरुआ थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने फोन पर बताया कि युवती की बातों को गंभीरता से लिया गया है, पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। चार साल पहले अभिषेक सिंह जो है यहाँ पंचुलकिया का, उससे शादी हुआ था। चार साल रिलेशन ठीक ही था हम लोगों का। वो घर में आता जाता था लेकिन हमको कभी नहीं लाता था। अच्छा, या अपने गांव में होने के भी लाया नहीं, कभी नहीं। और कोर्ट मैरिज भी हम बोले करने के लिए, बोले मेरे मम्मी पापा को आने। तो आप लोग का पहले प्रेम प्रसंग चल रही थी क्या? हाँ। अच्छा, प्रेम प्रसंग में आप लोग मंदिर में शादी रचा? हाँ, एकदम। अच्छा, तो वो तो मम्मी पापा उसका आते जाता रहे मेरे घर में। अच्छा, लेकिन मुझे कभी नहीं लाया। तो मुझे इस बात से एतराज भी नहीं था, चलो मम्मी पापा आ रहे हैं ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो 28 तारीख को घर आया, उसकी बहन का शादी है। पिछले 28 को 24 तारीख को उसका बहन का शादी है। अच्छा अच्छा। 28 तारीख को आया तो जब जिस दिन मुझे ले जाने का बात था उस दिन वो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, बोल के फोन सब ऑफ कर दिया। तब से मेरा ना बातचीत।